नवीद, इसके साथ ही साथ आपके पास एक और भी टैलेंट मौजूद है, साउंड बीट। मेरी थर्ड पोजीशन है पंजाब में। ठीक है, एक मुकाबला होलैंड में भी विन किया था, वो कौन सा था, किस खेल में? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ, मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं और उनके बहुत सारे टैलेंट हैं। उन पर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इतने सारे टैलेंट को लेकर कैसे चल रहे हैं। मास्टर प्रोग्राम में मौजूद हैं नवीद अशरफ, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। नवीद, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। नवीद, आपके बहुत सारे टैलेंट हैं, स्पोर्ट्स में भी आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की, इसके साथ साथ आपका शोबिज से भी ताल्लुक है, तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले किसके ऊपर हम बात करें? अप टू यू, जैसे आप मर्जी आपकी। चलिए स्पोर्ट्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि स्पोर्ट्स में आप कौन कौन सी खेले खेलते हैं? बास्केटबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, स्केटिंग इज बास्केटबॉल में। ठीक है, फोर्न से मैं नेशनल खेल चुका हूं। ठीक है, और उसके अलावा आर्म रेसलिंग खेल चुका हूं पंजाब। मेरी थर्ड पोजीशन है पंजाब में। आर्म रेसलिंग की बात करते हैं जो कि बाजू का पंचा जिसे कहते हैं, तो ये बड़ा जोर आजमाई का काम होता है, इसमें कोई टेक्निक्स होती हैं या फिर इसमें आपको ताकतवर होना चाहिए? इसमें पावरफुल भी होना चाहिए, और जो बेसिक इसकी ट्रेनिंग है वो आपको करने के बाद इसकी जो टेक्निक्स हैं वो उस पर आप यूटिलाइज करेंगे तो आप आगे जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ खाली जोर पे अपना लोहा मनवा लूँ तो ऐसा नहीं है। तो टेक्निक्स हैं जी, टेक्निक्स ही हैं जी, बिल्कुल, क्यों नहीं जी। अगर आपकी रिस्ट में पावर है, लाइक दिस, रिस्ट में पावर है तो आप अगले पर्सन को आराम से बीट कर सकते हैं। अगर रिस्ट में पावर नहीं है तो चाहे आप जितने मर्जी अच्छे बिल्डर हैं या आप कुछ भी हैं, आप उसको बीट नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक रिस्ट के साथ होता है? जी सर, रिस्ट है, उसके बाद आर्म, ये जब रिस्ट में आप में पावर होगी तो आप आगे जाएंगे। अगर उसके अलावा नहीं सोचा तो मैंने था कि आपके साथ आर्म रेसलिंग का कंपटीशन लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने इस कंपटीशन को, जो आर्म रेसलिंग था, कौन कौन से लेवल पे कंपटीशन खेले, कौन कौन से लेवल पे विन किया इसको? जी सर, मैंने अभी लास्ट मैंने खेला था पंजाब, खेला था 2019 में। ठीक है, और उसमें मेरा थर्ड पोजीशन था लाहौर में। अभी रिसेंटली मैं करके एक जिम का था मुकाबला। ठीक है, तो उस पर कंपटीशन में ये चीज़ हुआ था कि मैं मेरा गोल्ड वापस कर रहा। ठीक है, बास्केटबॉल भी मुझे बताएं कि उसमें हाइट बड़ी मैटर करती है, कि आपका हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए, तो आप किस तरह से खेलते हैं? वैसे तो पाकिस्तान में हाइट नॉर्मल होती है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो बहुत हाइट ज्यादा वाले लोग होते हैं, तो किस तरह से कम्पीट करते हैं आप उनको? सर, बेसिक होती है ट्रेनिंग। अगर आपकी जो आपका ट्रेनर है अगर वो अच्छा है तो उसमें आपकी जो है हाइट वो इतना अकाउंट नहीं करती है, 6 feet लेते हैं। ठीक है, 6 above वो आपका बेनिफिट है। ठीक है, जितनी आप ट्रेनिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेरा था इसमें स्केटिंग विद बास्केटबॉल। ठीक है, स्केट्स आपने पहले यूज़ कर चुके होते हैं। अगर आपने कहते हैं जी मैं विद इसके साथ बास्केटबॉल भी खेलूँ, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि आप स्केट्स यूज़ कर लेते हैं, वेयर कर लेते हैं। स्केट्स बड़ी मज़े की चीज़ है, स्केट्स जो लोग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, वो बहुत मज़ा आता है, उसमें गिरते भी हैं बार बार उसमें। तो कोई इक्विपमेंट उसके लिए कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? उसके नी होती है, एल्बो होती है, हैंड ग्रिप होती है, अगर आप नीचे गिरते हैं तो आपके हैंड पे चोट लगती है, लाइक दिस। ठीक है, तो उस दौरान जो है आप कुछ भी यूज़ करते हैं, अगर हैंड ग्रिप होगी तो हैंड ग्रिप के अलावा आप अगर गिरते हैं तो आपको पेन होगी। हैंड ग्रिप होती है, उसके ऊपर सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे हेलमेट हो गया, तो जैसे गिरते हैं आपको मसला नहीं होगा उसमें। नवीद, आपने एक मुकाबला होलैंड में भी विन किया था, वो कौन सा था, किस खेल में? सर, ये बास्केटबॉल में था, स्केटिंग इज बास्केटबॉल, उसमें थे जोश, थे उनके कोच। ठीक है, तो बहुत मजा आया उसमें। क्या फील होती है जब आप विन करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं? बहुत प्राउड महसूस होता है उस टाइम। ठीक है, कोई इंसान इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं विन कर चुका हूँ। जितनी आपने मेहनत की थी आपको नजर आती है, लेकिन ये चीज़ है कि जब आप विन कर जाते हैं और नेक्स्ट टीम जो है दूसरी, वो आपको अप्रिशिएट करती है कि वेरी गुड यार, ये आपने अचीव कर लिया, तो जब बीट करने के बाद कोई वर्ड्स नहीं होते। ठीक है नवीद, एक तरफ आप पंजाब पुलिस का हिस्सा हैं और दूसरी तरफ आपका ताल्लुक शोबिज से भी है, किस तरह से आप शोबिज में गए? कहते हैं पंजाब पुलिस बड़े सख्त तबीयत के होते हैं, और शोबिज में तो आप एक्टिंग भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं, तो किस तरह से लेके चलते हैं? क्योंकि एक्टिंग में आपको जो एक्सप्रेशन वो चेंज करने पड़ते हैं, कभी अग्रेसिव होना पड़ता है, कभी आपको नॉर्मल होना पड़ता है, तो किस तरह से सॉफ्टनेस लेके आते हैं? सर, ये बेसिक है कि अल्लाह पाक की तरफ से ही है। तो पुलिस को कैसे सोचा कि पुलिस को ज्वाइन किया जाए, पुलिस में काम किया जाए, जैसे ही मैंने विन किया था बास्केटबॉल होलैंड के साथ, जब विन किया था 2007 में, राइट,
तो एक दोस्त था मेरा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जा रहा था, सबमिट करवाने जा रहा था इधर पुलिस ने किला गुजर सिंह में। तो बस मेरे वैसे ही, मैं क्या जमा चेक करो, जमा कराते कोई मसला नहीं होगा, ठीक है अपना, नहीं प्लान नहीं था मेरा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराया तो अल्लाह पाक ने करम किया, मैं पंजाब पुलिस में जो है ना चला गया। शोबिज़ में किस तरह से आए, कौन था आपको बूस्ट करने वाला, किसने कहा कि आप शोबिज़ में जाएं मॉडलिंग करें? मैं बेसिक खेलता था बैट और बॉल इधर अपना संत नगर में, तो यहाँ पे आते थे सुहेल समीर साहब, ठीक है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा था आप जो है शोबिज़ से जो है ना जाएँ आप खबर रियाज के पास, तो आप करें अपना स्टार्टिंग यहाँ से आगाज करें तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, ठीक है। तो बूस्ट उनसे मुझे मिला ये सारा कुछ। सही, तो बचपन में कभी एक्टिंग का शौक नहीं था आपको? नहीं, बचपन में एक्टिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अच्छा, सिर्फ तो अचानक से सारे कुछ आपके, ये कब पता चला आपको कि मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट मौजूद हैं, मैं खेल भी सकता हूँ, स्पोर्ट्स में भी मैं सबसे आगे हूँ, एक्टिंग भी, मॉडलिंग भी, शोबिज़ भी, किस तरह से? ये गॉड गिफ्टेड है नवीद। इसके साथ ही साथ आपके पास एक और भी टैलेंट मौजूद है, साउंड बीट। क्या है हमें बताएं, वो कैसे करते हैं आप? ये है एक साउंड, सेकंड साउंड ये है जी, सेकंड साउंड ये है, थर्ड सॉरी, और फोर्थ साउंड ही है। नवीद, मुझे वैसे इल्म नहीं था कि ऐसे भी आप साउंड को बजा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, कैसे वैसे कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आया। ये बस गॉड गिफ्ट बताया मैं आपको, मैंने कि ऐसे एक लड़का प्ले कर रहा था तो देखा उसे मैंने, और फिर देख के मैं ऐसे प्ले मैंने किया। तो अच्छा, म्यूजिक का वैसे शौक है आप? बहुत ज़्यादा मेरे पास घर, मैंने स्पेशली अपना साउंड। गाना भी गाते होंगे आप? नहीं, गाना नहीं गाते। नवीद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे एक मल्टी टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर से, और इसी तरह के मज़ीद टैलेंट को हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप लोगों ने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना है, Facebook पर आप लोगों ने हमें लाइक करना है, Instagram और Twitter पर फॉलो करना है। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।